नमस्कार, मैं निशी भाटिया और स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। उत्तराखंड में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी को मद्देनजर रख उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी स्मार्ट सिटी का आपको आज हम हाल दिखाने वाले हैं और दिखाएंगे कि कई जो तमाम चौराहे हैं उन पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आचार संहिता के नियमों के अनुसार 48 घंटे के अंतराल सभी सरकारी प्रॉपर्टीज में से चुनावी बैनर्स और भी सारी कई सारी चीजें होती हैं उनको हटा दिया जाता है। और यही देखने के लिए आज हम आपको अपनी स्कूटी में उत्तराखंड राजधानी की उन तमाम जगहों पर सैर कराएंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त आचार संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड का क्या माहौल बना हुआ है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की तमाम जगहों पर। वीकेंड का माहौल बन चुका है और मैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं अपनी स्कूटी से आज राजधानी की सैर करा रही हूं कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है और उत्तराखंड में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और 48 घंटे के अंतराल सभी सरकारी प्रॉपर्टीज से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी सरकारी प्रॉपर्टी से सरकारी जितने भी एड्स हैं, जितने भी पोस्टर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो हटा दी जाती हैं, जिससे कोई भी इसमें आनाकानी ना हो चुनाव नियमों के साथ। तो मैं आपको दिखाने उत्तराखंड का और राजधानी स्मार्ट सिटी की मशहूर जगह घंटाघर, जहां आप देख सकते हैं कि चुनावी नियमों के तहत यहां से सभी सरकारी एड्स जो है हटा दिए गए हैं, सरकारी पोस्टर हटा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके का राजधानी में माहौल बना हुआ है। बेहद ही मौसम भी बहुत दिलचस्प हो रहा है और यहां पर लगातार मेरी जहां तक नजर जा रही है काफी ज्यादा नियमों का पालन हो चुका है। चुनावी बिगुल जब फूंक जाता है तो उसके बाद जो हाल है वो कुछ इस प्रकार का है कि सभी सरकारी प्रॉपर्टी से एड हटा दिए जा चुके हैं नगर निगम द्वारा। और अब हम आपको और आगे लेके जाएंगे अपनी इस स्कूटी के माध्यम से और दिखाएंगे देहरादून राजधानी की वो और तमाम तस्वीरें और आगे बढ़ेंगे, गांधी पार्क जाएंगे, फिर उसके आगे कनक पैलेस जाएंगे और उससे आगे राजपुर रोड तक हम आपको ये सफर दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। पहुंच चुकी हूँ कनक पैलेस की यहाँ चौक पर और मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए ये लाई हूँ कि ये जो गांधी पार्क है यहाँ पर लगातार पोस्टर्स की भरमार हुआ करती थी, सरकारी पोस्टर्स लगातार यहाँ लाइन से लगे हुए रहते थे। मैं आपको ये वाली तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर पहले स्थिति थी कि यहाँ पर बीजेपी के पोस्टर छपे हुए थे जगह जगह, यहाँ पर इस चौक पर बीजेपी का प्रचार प्रसार खूब जोरों शोरों से होता था, लेकिन चुनावी नियमों के तहत चुनाव आचार संहिता लगने के बाद यहाँ का माहौल बदल चुका है। नगर निगम द्वारा सभी तरह के पोस्टर्स हटा दिए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कई कई पोस्टर्स, नववर्ष से जुड़े पोस्टर्स अभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बारिश का माहौल है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि नववर्ष 2022 को लेकर मेयर साहब सुनील उनियाल गामा जी का भी पोस्टर अभी लगा हुआ है, बीजेपी के और तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं और भी कई सारी चीजें हैं जो ढक दी गई हैं। अब हम आपको और आगे लेकर जाते हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त और आगे जाकर बना हुआ है, क्या पोस्टर हट चुके हैं, क्या हटाए जा रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे का समय अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है और जिस तरीके से 14 मार्च को चुनाव का आयोजन होने वाला है तो इस चीज को लेकर अब और आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि क्या है देहरादून का माहौल। चुनावी आचार संहिता को मद्देनजर रख आज हम फिर यहाँ से गुजरते हुए राजपुर रोड पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी हाथी बड़कला चौक है और साथ ही साथ ये जो आप देख सकते हैं ये भी एक MDDA की गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे पोस्टर्स को हटा दिया गया है नगर निगम द्वारा। लगातार आप देख सकते हैं कुछ कुछ जो पोस्टर्स के हिस्से हैं वो अभी भी बचे जा चुके हैं, बीजेपी के पोस्टर देखने को लग रहे हैं और इन सबको फाड़ दिया जा चुका है, सबको निकाल दिया जा चुका है
इसी के साथ मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि वो एक उधर की तस्वीर भी दिखा दे, जो ये होल्डिंग्स के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुआ करते थे। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के पोस्टर जो थे लगे हुए थे, चुनावी पोस्टर जिसे कहा जा सकता है वो लगे हुए थे, सर्वेक्षण के बोर्ड लगे हुए थे, काफी सारे गवर्नमेंट के बोर्ड यहाँ लगे हुए थे, जिसको आचार संहिता के नियमों के तहत यहाँ से हटा दिया जा चुका है। नगर निगम द्वारा ये पोस्टर्स हटा दिए जा चुके हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको, अब जो ये लड़ाई है वो पोस्टर से और जनता को बहला फुसलाकर नहीं लड़ी जाएगी, अब ये सिर्फ लड़ाई चुनावी यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये लड़ाई होगी। और देखना ये होगा कि किस हद तक लड़ाई जाएगी और कैसे बीजेपी, कांग्रेस और जो जितने भी दल हैं उनके बीच चल रही लड़ाई किस तरीके से कौन जीत जाता है। और साथ ही साथ नियमों के तहत आज हमने आपको देहरादून के उन तमाम मशहूर चौराहों, मशहूर जगहों की सैर कराई और दिखाया कि किस तरीके का माहौल देहरादून में बना हुआ है। और लगातार यहाँ के जितने भी लाइन में पोस्टर्स हैं, जितने भी होल्डिंग्स लगे हुए थे, उन सबको नगर निगम द्वारा हटा दिया जा चुका है। कल जिस तरह से न्यूज आई थी कि 48 घंटे के अंतर्गत सभी पोस्टर्स को हटा दिया जाएगा, चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है। 14 फरवरी को यहाँ पर चुनाव का आयोजन होने वाला है उत्तराखंड में और 10 मार्च को जो है चुनाव की गिनती। और इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रख हमने जितना भी आपको यहाँ का सैर कराया वो यही दर्शाता है कि काफी हद तक जितने भी पोस्टर्स थे राजधानी देहरादून के अंदर, उन सबको रातों रात हटा दिया गया था और कुछ जो बचे कुछ हैं वो यहाँ पर राजपुर रोड में आज सुबह नगर निगम द्वारा हटा दिए गए थे। अभी मेरे जो संरक्षण और जो मैंने अपनी स्कूटी से आपको उत्तराखंड के राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी की सैर कराई, उससे हालातों का जायजा आराम से लिया जा सकता है कि किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है। और भी आपको खास खबरें देते रहेंगे चुनावी आचार संहिता से जुड़ी, और भी कई सारे चुनावी बिगुल जो फूट चुका है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी कई अन्य दलों के साथ, उन्हीं सब की आज हम आपको रिपोर्ट दिखाने लाए थे। और इसी के अलावा और भी आगे आगे हम आपको खबरें देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।